स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्चुअल बैठक ली, जिसमें राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और कोविड टीकाकरण समेत अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई। वहीं यूक्रेन से लौटे छात्रों के मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती और यह सब जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में सुनिश्चित सीटें होती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने इन बच्चों के लिए प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा। तीन मदों के माध्यम से जो पैसे आ रहे हैं, केंद्र सरकार के तरफ से पैसे आ रहे हैं, ECRP पैकेज, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के नाम से, PM अभीम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो राशि उपलब्ध कराई जा रही है, और 15वें वित्त आयोग के माध्यम से जो राशि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त संस्थाओं के लिए स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने